हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग्स। तो अभी मैं ऑफिस से निकला हूँ और मैं जा रहा हूँ इस्कॉन टेंपल, जो कि यहीं नज़दीक में ही है, 1-2 किलोमीटर दूर पे ही है। तो गाइस, कैसे आप लोग? बहुत टाइम हो गया मेरे ब्लॉग आए हुए। तो गाइस, अभी मैं ऑफिस से ही निकला हूँ, देख सकते हैं मेरे पास बैग भी लटका हुआ है और बारिश भी हुई है। रोड पर पूरा गीला हो रहा, पानी भरा हुआ है, तो बारिश हुई है। मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद, जाऊँगा गाइस, सही जाना है गाइस। तो मिलते हैं गाइस अभी थोड़ी देर बाद इस्कॉन टेम्पल, बाय। तो गाइस, पैदल पैदल मैं पार्क में आ गया हूँ। यहाँ से शॉर्टकट रास्ता है तो सीधा इस्कॉन टेम्पल जाऊँगा। एक्चुअली गाइस, मुझे नहीं पता कि मैं पहली बार इस जंगल या मैं पार्क से आया हूँ, मुझे नहीं पता कि रास्ता कैसा है। मैं तो खुद लोगों से पूछ पूछ के आ रहा हूँ। तो गाइस, फिर भी एक्सपीरियंस तो मुझे कभी, मुझे तो कम से कम 15-20 साल हो गए यहाँ जॉब करते हुए नेहरू प्लेस में, तो बट मुझे आज तक ये नहीं पता कि यहाँ से रास्ता कैसे है। सच में झूठ नहीं बोल रहा, रियली में। फाइनली गाइस आ गए हैं, दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, ये रास्ता यहीं से ही है, दिख गया गाइस आप लोगों को भी, दिख रहा होगा, देखो दिख गया गाइस, यहाँ पे आया हूँ मैं ऑफिस, पैदल पैदल आया हूँ गाइस। ये रहा गाइस मंदिर, दिख रहा है गाइस यहीं से, इस्कॉन टेम्पल, ये पूरा गाइस मैं पूरा पैदल पैदल आया हूँ, पैदल आया हूँ गाइस पूरे। तो गाइस, फाइनली मैंने ये राधे राधे भी लिखवा लिया है, माथे पे तिलक भी लगवा लिया है। तो बस गाइस जा रहे हैं पूजा करने। फाइनली हम मंदिर में आ गया हूँ गाइस। तो गाइस, फाइनली मैं मंदिर में आ गया हूँ। गाइस फाइनली मैंने जूते भी उतार दिए हैं। तो गाइस मंदिर के अंदर आ गए हैं, मंदिर दर्शन करने जाते हैं। मंदिर में कैमरा अलाउड नहीं है, तो इसलिए मैं पहले ही बाहर से कैमरा बंद कर देता हूँ। तो गाइस मिलते हैं, अभी दर्शन करके आता हूँ। गाइस मंदिर के अंदर आ गया हूँ मैं।
यहाँ पे खाने पीने का स्टॉल भी लगा हुआ है। तो गाइस अब जाने का समय आ गया, घर चलते हैं, मिलते हैं गाइस तभी थोड़ी देर में। जय श्री राधे राधे राधे। तो गाइस मैं आ गया हूँ बाहर, अब चलते हैं घर, मेट्रो स्टेशन, मेट्रो स्टेशन से सीधे घर। तो गाइस ये आपको मेट्रो स्टेशन नज़दीक लगा होगा, बहुत दूर है गाइस, ज़्यादा पैदल करना पड़ेगा। सारा नेहरू तो गाइस मिलते हैं फिर मेट्रो स्टेशन। तो गाइस अब चलते हैं, 5:30 का टाइम हो गया है, 6 बजे वाली मेट्रो पकड़ लेंगे। तो अब चलते हैं मेट्रो स्टेशन, फिर मेट्रो स्टेशन से भी दिखाऊंगा आपको। तो गाइस इस्कॉन टेम्पल दिखता कैसे है, ठीक है। तो गाइस ये रास्ता है जो है ना, ये मेट्रो स्टेशन है नेहरू प्लेस का, उसके पीछे से जा रहा है, साइड से जा रहा है। तो आप कभी इस्कॉन टेम्पल आना हो, इस्कॉन टेम्पल आना हो तो गाइस आप आ सकते हो, और पैदल भी आ सकते हो। नेहरू प्लेस स्टेशन उतरो, वहाँ से सीधा पार्क में से आ जाओ, साइड में ही गेट है, वहाँ से किसी से ही पूछ लेना। वहाँ पर काफ़ी लोग अपनी दुकानें भी लगाते हैं छोटी मोटी, तो उस दुकान वालों से भी पूछ सकते हो कि भाई इस्कॉन टेम्पल के लिए रास्ता। मगर मैं साइड वाले गेट से आया हूँ, एक फ्रंट वाला गेट भी है उस साइड से। तो गाइस चलते हैं, मिलते हैं अभी स्टेशन पे। तो गाइस मैं आ गया हूँ मेट्रो स्टेशन, नेहरू प्लेस मेट्रो स्टेशन। कितनी डिस्टेंस ही था गाइस, देखो कितनी जल्दी आ गया मैं इस्कॉन टेम्पल घूम के। इस पार्क के रास्ते वैसे मिलते हैं अभी दस घर जाके, इसी में बहुत सारे गर्मी में बहुत मिलते हैं घर पे। तो गाइस मैं नहा के भी आ गया हूँ और मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं। तो गाइस मुझे कम से कम वहाँ पे नेहरू प्लेस में 10-15 साल हो गए जॉब करते हुए, मैं पहली बार आज इस्कॉन टेम्पल गया हूँ। मुझे नहीं पता था कि इतना सुंदर और इतना अच्छा है मंदिर, तो सारे ही अच्छे होते हैं, सुंदर होते हैं। तो गाइस आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।